आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तुमको सोचे हुए सुख मिले ना मिले, निभ सके तो निभाने का वादा करो। दोस्तों, 1969 में हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो आए थे। बहुत ही हैंडसम थे, खूबसूरत थे और एक्टर भी बहुत अच्छे थे, और इसके अलावा भी उनमें कई खूबियां थीं। वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे और कवि भी बहुत अच्छे थे, और वो हैं राकेश पांडे। हमारे आज के मेहमान हैं राकेश पांडे। राकेश जी, मेरे दर्शक एक चीज नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपके उल्टे हाथ पे काफी भयानक सा निशान है। क्योंकि ये उल्टे हाथ पे, इसलिए हम ये सोच ही नहीं सकते कि आपने कभी किसी पे हमला किया होगा, क्योंकि हमला तो इंसान सीधे हाथ से करता है जी। और लेफ्टी आप हैं नहीं, लेकिन चूंकि लेफ्ट हाथ पे एक इतना भयानक निशान है, ऐसा लगता है कि अपने आप को बचाने में, डिफेंस करने में शायद ये चोट आपको लगी है। तो समझे क्या है कि हम फिल्म वालों के लिए तो ये इनाम है, मेडल्स। अच्छा। दरअसल 2 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हादसा हो गया था। एक फाइट की शूटिंग थी जिसमें मुझे गिरना था, हमारे हीरो थे विनोद मेहरा। तो ये इत्तफाक था, थोड़ी सी ऊंचाई से मुझे गिरना था, तो विनोद मेहरा ने मुझे पकड़ के जो उछाला और मैं ज़मीन में गिरा, तो इस हाथ के ऊपर मेरा पूरा वजन आ गया, पूरे शरीर का। तो दोनों हड्डियाँ टूट गईं और ये काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ। और इसमें काफी अरसे तक आपको बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ा होगा। इसमें फिर ऑपरेशन हुआ, उसमें कुछ ब्रैकेट्स डाले गए, उसके बाद फिर स्टिचेस हुए, स्टिचेस खुले। फिर वो ब्रैकेट निकाले भी गए होंगे? नहीं, अभी वो निकाले जाएंगे। अच्छा। अभी निकाले जाएंगे। इस सिलसिले में मुझे, इस चक्कर में मुझे लगभग 10 महीने घर पे बैठे रहना पड़ा, क्योंकि ये हाथ बिल्कुल कमजोर हो गया था। जाहिर है कि इन 10 महीनों में करियर पे भी काफी असर पड़ा होगा। हाँ, फिल्म्स की शूटिंग्स में नहीं कर पाता था क्योंकि यह हाथ बिल्कुल ही कमजोर हो गया था। अच्छा, ये इस हादसे के बाद जो पहली फिल्म आपको मिली वो कौन सी थी? इस हादसे के बाद मैंने ये कोशिश की कि मैं वो फिल्में साइन करूँ जिनमें ज्यादा स्टंट का काम ना हो, फाइट्स ना हो, उछल कूद ज्यादा ना हो, क्योंकि डर था कि कहीं वो हड्डियाँ फिर ना गड़बड़ कर जाए। तो पहली फिल्म जो मैंने साइन की वो थी तरकीब, नेक परवीन, थोड़ी देर और, सोशल फिल्म है जिसमें ज्यादा शरीर की मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। कहिए ना, खामोश क्यों हो गए आप? यकीन करो परवीन, जिंदगी अब तुम्हारे बिना नामुकम्मल नजर आती है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम दुल्हन बनी बैठी होगी और मैं तुम्हारा घूंघट उठा रहा हूँ। जहाँ तक आपके बारे में मुझे मालूमात हासिल हुई, आप पूना इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स कर चुके हैं, ये जानते हुए भी कि 3 साल का कोर्स करने के बाद काम दिलवाने की गारंटी इंस्टीट्यूट वाले नहीं लेते, लोग वहाँ जाते हैं। आपने भी ये कोर्स किया, मैं जान सकती हूँ किस ख्याल से किया? तबस्सुम जी, पहली बात तो ये है कि आज के जमाने में गारंटी किसी चीज की नहीं मिलती। मसलन आपने MBBS पास किया, इंजीनियरिंग की डिग्री आपने ली, तो वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अपना कोर्स पास करने के बाद, डिग्री ले लेने के बाद फौरन काम मिल जाएगा। तो यही मसला पूना इंस्टीट्यूशन के साथ भी है, वो भी एक एकेडमी है जहाँ आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, काम पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। पहली बात तो ये है। और मैंने जिस ख्याल से पूना इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था वो अलग बात थी। क्या बात थी वो? वो बात ये थी कि कॉलेज और स्कूल के ड्रामास में, नाटकों में मुझे काम करने का शौक था, जैसे अमूमन हुआ करता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अपना एक थिएटर ग्रुप बनाऊं, क्यों ना मैं स्टेज क्राफ्ट सीखूं,
और वो सीखने के लिए मैं NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जो है मैं वहां गया। वहां मुझे मिले कल के एक्टर और आज के बहुत बड़े डायरेक्टर सुभाष घाई। अच्छा। वो उस वक्त पुणे इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग ले रहे थे, सीनियर हैं वो हमसे। उन्होंने मुझे ये राय दी कि तुम यहाँ ट्रेनिंग लेने के बजाय पुणे इंस्टीट्यूशन को नहीं ज्वाइन कर लेते, वहाँ भी ट्रेनिंग मिलेगी और वहाँ स्कोप भी ज़्यादा है, बड़ा है, फिल्म ये सब कुछ। और उस वक्त पुणे इंस्टीट्यूशन नया नया शुरू हुआ था तो कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं था। इस तरीके से मैं पुणे इंस्टीट्यूशन में आ गया। तो फिर अब ये बताइए कि वहाँ से कोर्स करने के बाद जब आप निकले तो पहली फिल्म आपको कौन सी मिली? पहली फिल्म मुझे मिली थी, एक इंग्लिश फिल्म थी, यहाँ पे किंग ब्रदर्स इनकॉर्पोरेशन वाले शूटिंग करने आए हुए थे, कुछ टेलीविजन सीरीज वो बना रहे थे, रेंसम ऑफ राजी। वहाँ मेरी मुलाकात हुई मनमोहन कृष्ण जी से, वो पहली बार फिल्म में मेरे फिल्मी पिता बने। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेरा नाम लिया सत्येन बोस डायरेक्टर के पास और सत्येन दा ने मुझे आंसू बन गए फूल एक वो फिल्म बना रहे थे उसमें मुझे उन्होंने काम दिया। अश्रुचि झाली फूल एक नाटक है मराठी का, उसके ऊपर वो फिल्म बन रही थी तो विलेन का रोल उसमें मैंने किया। अच्छा। हाँ। और उसके बाद फिर सारा आकाश में हीरो कैसे बन गए? उसके बाद फिर स्ट्रगल तो चली रही थी और उस वक्त हमारे पुणे इंस्टीट्यूशन के काफी लोग एस्टेब्लिश भी हो गए थे, के महाजन कैमरामैन, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने मेरा नाम बासु चटर्जी, वो सारा आकाश बना रहे थे, सोच रहे थे बनाने के उस वक्त, उनको उनके पास लिया कि राकेश को आप लीजिए, उनको बड़े दुबले पतले से लड़के की जरूरत। ये देखा ना अभी? देखा था। वैसे तो दुबले पतले तो अभी भी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा था। तो दुबले पतले से लड़के की उनको जरूरत थी तो के महाजन ने कहा कि तुम बासुदा से मिल लो, फला फला जगह पे वो मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि हीरो का चांस है, हैं? और हीरो तो ज़रा थोड़े अच्छे होने चाहिए। तो मैं बासुदा से मिलने के लिए जब गया तो मैंने अंदर एक स्वेटर पहन लिया ताकि थोड़ा सा भरे भरे दिखूं। लेकिन हुआ उल्टा, जब बासुदा से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने कहा यार तुम तो थोड़े से मोटे लग रहे हो, मुझे बहुत ही दुबले पतले लड़के की जरूरत है। तो बड़ा अजीब, स्वेटर उतार ही दिया फौरन। नहीं, फिर मैंने बासुदा से कहा बासुदा मैं बहुत दुबला हूँ और ना मोटा बनने के लिए पहन के आया था, मैं हूँ बहुत दुबला। अच्छा। यार आप कहाँ क्या कर रही हो? अब रात बहुत हो गई, सुबह रो लेना। और राकेश जी, मेहनती आदमी कभी खाली बैठ ही नहीं सकता, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि आपने शुरू में बताया था कि जिंदगी में आपके जब ये हादसा हुआ था हाथ का और लगभग 10 महीने आपको बिल्कुल आराम करना पड़ा था, तो वो 10 महीने आराम करने के साथ साथ आपकी एक्टिविटीज क्या रही? 10 महीने आपने ठीक कहा कि बैठ तो नहीं सकता था। मेरे 2-3 शौक हैं तबस्सुम जी, पेंटिंग करना मेरा एक शौक है, लिखना दूसरा शौक है। अब इन दोनों शौकों के बारे में मैं थोड़ी सी और वजाहत और डिटेल चाहूंगी कि पेंटिंग में आप क्या करते हैं, इंसानी तस्वीरें या कुदरत के मनाज़िर? नहीं, कुदरत के मनाज़िर भी और इंसानी तस्वीरें भी बनाता हूँ पेंटिंग में तो। अच्छा। और लिखने में? लिखने में उस उन दिनों में मैंने सिर्फ लिखा क्योंकि हाथ बिल्कुल ये बेकार हो गया था, तो पेंटिंग्स में तो दोनों था। तो उस दौरान मैंने लिखा और बच्चों के लिए कुछ कविताएं लिखी। हुआ ये कि ये हाथ टूट जाने से मैं खुद बच्चा बन गया था उन दिनों। कपड़े नहीं पहन पाता था, खुद नहा नहीं सकता था, बिल्कुल बच्चों जैसा। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं बच्चों के लिए कुछ लिखूं। और मुझे इस वक्त ये ख्याल आ रहा है कि जो आपने बच्चों के लिए उस वक्त लिखा था, इस वक्त मैं आपसे सुनने की फरमाइश करूं। उसमें से वो काफी लंबी कविताएं हैं, एक कविता मुझे याद है, मैं वो सुनाता हूं आपको। जरूर। मॉरल स्टोरीज जो इस सब की कहानियां और पंचतंत्र की कहानियां जो हैं, मैंने नया कुछ नहीं किया, उन कहानियों को मैंने कविता का रूप दे दिया। जैसे एक कविता है, उसमें पहली कविता है, छोटी चींटी प्यास बुझाने चली नहर की ओर, फिसल पड़ी वो नहर किनारे, पानी का था जोर, बहा ले गया पानी उसके, जीवन पर बन आई
लगी डूबने छोटी चींटी याद प्रभु की आई, नहर किनारे घने वृक्ष पर बैठा एक कबूतर, देख रहा था कैसी विपदा बीत रही चींटी पर, फौरन उसने तोड़ा पत्ता फेंका उसकी ओर, मिला सहारा चींटी को तो टली विपत्ति घोर। एक सुबह जब छोटी चींटी चली शहर की ओर, ताक रहा था एक शिकारी घने वृक्ष की ओर, चींटी का माथा चकराया नहर किनारे भागी, देखा वही कबूतर उसकी अंतरात्मा जागी, डूब रही थी पानी में तब इसने मुझे बचाया, उसने की का बदला मैंने अब तक नहीं चुकाया, रक्षा करूं कबूतर की पर कैसे उसे उड़ाऊं, लगता गहरी नींद में सोया कैसे उसे उठाऊं, जोर दिया जब बुद्धि पर तो युक्ति समझ में आई, इतने में चुपचाप शिकारी ने बंदूक उठाई, जो ही उसने लिया निशाना बैठा जहां कबूतर, चींटी चढ़ी पांव पर उसके, काटा उसको जमकर, पीड़ा हुई शिकारी को तो उसने झटका पांव, गोली चली निशाना चूका लगाना उसका दांव, उड़ा कबूतर फुर वहां से सुन गोली का शोर, मिली सफलता चींटी को तो नाचा मन का मोर, करो भलाई मिले भलाई कहने में सच्चाई, नानी बोली प्यारे बच्चों हरदम करो भलाई। वाह वाह, बहुत अच्छे। इस किस्म से ये लिखी है। ये जैसा कि आपने बताया था कि हाथ टूटने की वजह से आप खुद बच्चे बन गए थे, इसलिए बच्चों के लिए लिखी, लेकिन मैं जान सकती हूँ कि बच्चों के लिए लिखने के कविताएं लिखने के लिए पंचतंत्र की कहानियों को आपने क्यों चुना? तो जी, पंचतंत्र की कहानियों में एक तो मॉरल, वो शिक्षाप्रद कहानियां हैं, शिक्षा देती हैं कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, हमेशा सच बोलना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, लालच बुरी बला है, जो कि बच्चों के लिए बहुत सही लगता है शिक्षा। तो इसलिए मैंने उनमें से चुने। अरे वाह। 9 अप्रैल 1946 में पैदा हुए थे राकेश पांडे अम्बाला में, जो हरियाणा में है। उनके पिता का नाम था भवानी दत्त पांडे। वो संस्कृत के स्कॉलर थे और बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे। राकेश पांडे की माँ का नाम था गोवंडी देवी और वो हाउसवाइफ थी। राकेश पांडे के 3 भाई थे और 5 बहनें। राकेश पांडे ने फिल्मों में आने से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी चंडीगढ़ में, उन्होंने बीए किया था और उसके बाद दिल्ली और पूना से एक्टिंग का कोर्स किया और फिर मुंबई आ गए। वो दूर से कहीं मजबूर से दे रहे हैं सदाए, आए घिर घिर सावन की काली काली घटाए, झूम झूम चली भीगी भीगी हवाए, ऐसे में मन मेरे कुछ तो कहो चुप न रहो। राकेश पांडे को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था उन्हें अशोक कुमार जी ने 1969 में, और उस फिल्म का नाम था आंसू बन गए फूल, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे सत्यन बोस। आप तो जानते हैं इस कॉलेज की सेवा की परंपरा मेरे खून में समाई हुई है। मैं भी अपने स्वर्गीय दादाजी और पूजनीय पिताजी की लीक पे चलना चाहता हूँ, और इसीलिए कॉलेज की यूनियन की सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सफल बनाकर एक बार अपनी और अपने कॉलेज की सेवा करने का मौका दीजिए। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि राकेश पांडे ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया, नेपाली फिल्मों में भी काम किया और कई भोजपुरी फिल्मों में भी। तुरा अच्छा लगले, हमरा मन के बोझा उतर गए। कैसे बोझा दादी माँ, अगर वो पसंद नहीं थी तो बहुत ठाकुर परिवार बा। 1973 में राकेश पांडे ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम है उषा, वो बहुत अच्छी बीवी है और बहुत अच्छी माँ है। उनकी एक ही बेटी है और उसका नाम है कनुप्रिया, और वो एयर होस्टेस है। राकेश पांडे अब रिटायर हो गए हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और बहुत खुश हैं, और अक्सर कहते हैं कि जिस तरह एक पेंटर अपनी पेंटिंग को सजाता है, संवारता है, बिल्कुल उसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी को भी सजाना चाहिए और संवारना चाहिए, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ही नहीं दूसरों की ज़िंदगी को भी संवारने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।